हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और आज हम करने वाले हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जो एक पोयम है, इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। हु आर द करेक्टर्स, कौन कौन से करेक्टर्स हैं पोयम के अंदर, पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है। लिस्ट देम विद देयर पैट नेम्स, और फिर उनकी लिस्ट बनानी है पैट नेम के अकॉर्डिंग। तो चलिए पहले करेक्टर बताने, द करेक्टर्स इन दिस पोयम, जो करेक्टर्स हैं वो तो एक सबसे पहले ही है, वो लड़की बेलिंडा, ठीक है, जो कि एक छोटी सी लड़की है, अ लिटिल गर्ल, एंड हर पैट्स, और उसके पालतू जानवर हैं कौन कौन से, अ लिटिल ब्लैक किटन, ठीक है, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, किटन मींस बिल्ली का बच्चा, अ लिटिल ग्रे माउस, एक छोटा सा माउस यानी चूहा है, अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा येलो कलर का डॉग है, और कौन है, अ लिटिल पैट ड्रैगन, जिसके नाम पे ये पोयम रखी गई है, ड्रैगन है एक, एंड अ पायरेट। पायरेट कौन है, वो जो चोरी करने उनके घर आ जाता है, अगर आपने पोयम पढ़ी होगी तो। अब इन्होंने कहा कि लिस्ट बनाओ, तो यहाँ पे हमने लिस्ट बना दी है करेक्टर्स, या मैंने स्पेलिंग गलत कर दी तो इसे आप सही कर लेना, दिस इज सी, ठीक है। तो चलिए करेक्टर्स और उनके पैट नेम देख लीजिए। तो सबसे पहले है किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा, उसका नाम है इंक। जो चूहा है माउस, उसका नाम है ब्लिंक। जो कुत्ता है डॉग, उसका नाम है मस्टर्ड, ठीक है, और जो ड्रैगन है उसका नाम है कस्टर्ड। कितने अच्छे नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे बढ़ते हैं। अगर इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज। जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, अगर आपने ये पोयम पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी तो यूट्यूब में पोयम का नाम डाल के आगे लिख देना बाय इंग्लिश बाबा, आपको मिल जाएगी। जो कस्टर्ड है वो रोता क्यों रहता था कि भाई मुझे एक सेफ केज चाहिए। केज मींस क्या होता है चिल्ड्रन, पिंजरा, जिसमें जानवर रहते हैं। व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, और उस ड्रैगन को कावर्ड मतलब कायर क्यों कहा जाता है, वो बिल्कुल भी ब्रेव क्यों नहीं था। तो आंसर देखिए, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, वो देखो यही क्वेश्चन से उठाया हमने, इसलिए रोता था बिकॉज इट वॉज कावर्ड, क्योंकि वो कायर था, उसे डर लगता था, एंड वॉज स्केयर्ड वेरी इजिली, और बहुत जल्दी से वो स्केयर्ड मींस डर जाता था। इट इज कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, इसलिए उसे क्या कहा गया, कावर्डली ड्रैगन कहा गया, बिकॉज एवरी वन एल्स इन द हाउस इज ब्रेव। अगर आपने पोएम पढ़ी होगी तो जब पोयम की शुरुआत होती है तो सबको ये दिखाया जाता है कि जो जो बेलिंडा है वो भी बहुत ब्रेव है, जो डॉग है वो भी बहुत ब्रेव है, जो माउस है वो भी बहुत ब्रेव है, लेकिन जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो बहुत कावर्ड है। वाइल द ड्रैगन इज द ओनली वन हु फियर्स, लेकिन जो ड्रैगन है वो अकेला ऐसा है जिसे डर लगता है। तो उसे ऐसा लगता है भाई अगर मैं एक प्रॉपर केज में रहूंगा, केज मींस पिंजरा, जैसे हम अपने हाउस के अंदर रहते हैं ना, घर के अंदर, भाई घर के दरवाजे वगैरह अगर बंद है, कुंडी लगी हुई है, ताला लगा हुआ है, तो हम अंदर सेफ फील करते हैं। तो वो ये चाहता है कि भाई उस मेरे पास भी एक अच्छा सा केज हो, केज मींस पिंजरा हो, जिसके अंदर वो रह पाए और कोई उसे नुकसान ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, व्हाई। अब देखो टिकल्ड का मतलब क्या होता है, होता है गुलगुली करना। आपने देखा होगा हमारे जो पैर हैं, पैरों के नीचे जो सोल होता है तलवा, उसमें अगर कोई हमें उंगली करे या हमारी आर्मपिट यानी बगल में, तो हमें बहुत गुलगुली होती है ना, हंसते हैं हम। शी टिकल्ड हिम, वो उसे बार बार टिकल क्यों करती थी। तो आंसर है, वो सब लोग एक्चुअली उसे छेड़ते थे, उसे परेशान करने में उन सब लोगों को मजा आता था और उसका मजाक उड़ाते थे। देखो टिकलिंग ऑलवेज वर्क्स ऑन पीपल, आपने देखा होगा कोई आदमी कितना भी मजबूत हो, आप उसे जरा सी गुलगुली कर दो, टिकलिश कर दो, तो वो हु आर अ लिटिल सॉफ्टर, और वो तो वैसे भी बेचारा काफी सॉफ्ट था। सो बेलिंडा टिकल्ड द ड्रैगन अनमर्सीफुल, वो उसे बेचारी को बार 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 करती रहती थी, एज इट वर्क अलॉट ऑन हिम, क्योंकि ये उस पर बहुत काम करता था। डेस्पाइट बींग अ ड्रैगन, ड्रैगन होने के बावजूद, देखो यूजली तो जो टिकलिश होती है वो आदमियों में होती है, इंसानों में, लेकिन वो ड्रैगन था फिर भी उसमें ये टिकलिंग काम करती थी। अ टिकलिंग कुड डिस्टर्ब हिम एंड दिस शोड हिज कॉवर्डिस, और जरा सी सी गुलगुली करने से ही वो क्या डिस्टर्ब हो जाता था, जिससे पता चलता था कि वो कितना कॉवर्ड है। ऑन विच एवरी वन लाफ्ड, और उसकी इस चीज पे सब कोई हंसते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट हैज एम्प्लॉयड मैनी पोएटिक डिवाइसेज इन द पोयम, कई सारे पोएटिक डिवाइसेज का यूज किया है, जैसे क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन, द पोएटिक डिवाइस हियर इज अ सिमिली, कैन यू यूज। अब हमें बताना है क्या उसने दूसरे पोएटिक डिवाइस यूज करें, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर बहुत छोटा सा है, यस उसने दूसरे पोएटिक डिवाइसेस भी यूज किए, जैसे सिमिली, कहां पे, जब वो कहता है माउथ लाइक फायर प्लेस, ठीक है,
चिल्ड्रन अगर आपको नहीं पता तो मैं एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं, जब भी लाइक ए आ जाए, जैसे मैं कहूं माय फादर इज लाइक अ लायन, तो यहां पे मैंने क्या किया, अपने फादर को शेर से तुलना कर दी, कंपैरिजन कर दिया, मेरे पापा शेर की तरह हैं। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो पोएटिक डिवाइस है, वो क्या है, सिमिली। ठीक है, दूसरा कौन सा यूज किया उसने पोएटिक डिवाइस, रिपीटिशन। अगर आप देखो तो जो लिटिल वर्ड है इन द स्टेंजा वन, ठीक है, द यूज ऑफ वर्ड वो बार बार यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू फाइंड द राइम स्कीम। राइम स्कीम जानते ही होगे आप, राइम स्कीम ऑफ 2 or 3 स्टेंजास ऑफ द पोएम। तो क्या है राइम स्कीम, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए ए बी बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइटर्स यूज वर्ड्स टू गिव अस अ पिक्चर और इमेज। राइटर्स इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं जिससे हमारे जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक पिक्चर बने, एक इमेज बने, विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन। ठीक है, कैन यू ट्रेस सम इमेजेस यूज्ड इन द पोएम। वो पूछ रहा है कुछ इस तरह की इमेजेस जो राइटर ने यूज की है पोएम में, क्या आप हमें बता सकते हो। तो आंसर है, यूज ऑफ सच इमेजेस इन द पोएम इज द फॉलोइंग। जैसे वो कहता है माउथ लाइक फायर प्लेस। अब उसने मतलब एनिमल को डिस्क्राइब करते हुए क्या कहा है कि जो उसका माउथ है वो फायर प्लेस की तरह है। चिमनी फॉर ए नोज, देख रहे हो, चिमनी नोज को चिमनी से कंपेयर किया है। ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर, ये बेलिंडा के लिए कि बहुत ज्यादा ब्रेव है। ब्रेव एज अ टाइगर, इतनी ब्रेव जितना कि टाइगर होता है। इन द रेज, रेज का मतलब होता है गुस्से में। ठीक है, सो ये सब, वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। रॉबिन क्या होता है, रॉबिन एक बर्ड होती है, एक चिड़िया होती है, जो कि एक कीड़े को खाने के लिए उसमें बहुत तेजी से झपट्टा मारती है। ठीक है, तो राइटर ने क्या किया है, अलग अलग इमेजेस का यूज किया है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू फाइंड द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी अ सीरियस और अ लाइट हार्टेड पोएम। ये पूछ रहा है कि भाई जो पोएम है जो तुमने पढ़ी, तो तुम्हें ये सीरियस पोएम लगी है या लाइट हार्टेड है, तो बताओ यार, ये तो हंसने हंसाने वाली पोएम है, और जब हंसने हंसाने वाली पोएम है तो ऑब्वियसली ये क्या हुई, ये हुई लाइट हार्टेड पोएम, है ना, हल्की फुल्की पोएम। जैसे आप कॉमेडी मूवी देखते हो या जैसे कपिल शर्मा शो देखते हो आप, तो वो क्या है, लाइट हार्टेड प्रोग्राम है। ठीक है, मजाक मस्ती, तो ये ही इस पोएम में दिखाया गया है। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। अब ये कह रहा है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए रीजंस दो। आंसर देखिए, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ वेरी लाइट एंड फनी पोएम। बहुत लाइट है और फनी पोएम है कि नहीं, बताओ। देखो नाम कितने फनी है, मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। जस्ट अ मिनट, यस, यहां देखे थे आपने नाम, ये देखो भाई, किटन बिल्ली के बच्चे का जो नाम है वो है इंक, है ना, माउस का है ब्लिंक, डॉग का है मस्टर्ड, और ड्रैगन का है कस्टर्ड। यहां तक कि जो नाम है, नाम में भी राइम है। देखो, इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड, वाओ, इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है चिल्ड्रन हमसे, वो पूछ रहा है कि भैया ये पोयम तुम्हें बहुत ज्यादा सीरियस लगी या तुम्हें ये पोयम लगी लाइट हार्टेड। तो आंसर है भाई, लाइट हार्टेड है पोयम। इसमें तो पूरी पोयम में कॉमेडी हो रही है, हंसी आ रही है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ वेरी लाइट, ठीक है, बहुत हल्की फुल्की एंड फनी पोयम है। मैंट टू बी एंजॉयड बाय एवरीवन, और ये क्या है, हर कोई इसे एंजॉय करेगा पढ़ने के बाद, चाहे वो बड़ा हो बूढ़ा हो कोई भी हो। द वे द पोयम हैज बीन रिटन विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम मेक्स इट वेरी इजी एंड एंजॉयबल टू रीड। अब ये क्या कह रहे हैं यहां पे, कि जिस तरह से पोयम को लिखा गया है विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम, राइम स्कीम क्या है, फिक्स है। अभी मैंने आपको दिखाई थी राइम स्कीम, दोबारा दिखा रहा हूं यहां पर, ये है राइम स्कीम। ठीक है, ये क्या थी, ए ए बी बी, ये राइम स्कीम थी। तो ये कह रहे हैं जिस तरह से पोयम को इस तरह से लिखा गया है प्रॉपर एक राइम स्कीम के अंदर, वो भी पोयम को क्या बनाती है, और भी ज्यादा एंजॉयबल बनाती है। अभी मैंने उनके नाम पढ़े थे ना, ब्लिंक इंक मस्टर्ड कर्ड। द पोएट हैज इवन यूज्ड रॉन्ग स्पेलिंग टू मेंटेन द राइम स्कीम। अगर आपने पोयम पढ़ी होगी तो पोयम में आपने देखा होगा कि जो पोएट है उसने कहीं कहीं ट्रूलियो इस तरह का, जबकि वो वर्ड होता है ट्रू, लेकिन उसने अपनी तरफ से वर्ड बना दिया ट्रूलियो कुछ भी, वो मतलब थोड़ा सा फन ऐड करने के लिए, राइम ऐड करने के लिए।
सो आई होप कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको चिल्ड्रन अच्छी लगी होगी। इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।